हे गाइस, स्वागत है आपका और एक न्यू वीडियो में। गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि गाइस आज हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन जो कि होने वाला है एमिकिन सर्वाइवल वर्सेस, मतलब जो कि अपना अरोरिया गेम। और गाइस ये दोनों ही गेम रिलेट करते हैं, मतलब पैलवर्ड से, और आज हम इन दोनों गेम को प्ले करने वाले, क्योंकि दोनों गेम भी ओपन वर्ल्ड गेम है। देखते हैं मतलब इन गेम मतलब कौन सा गेम हमें बेस्ट मतलब फील देता है, देखेंगे आज की वीडियो में। अगर आपके भी दिल में कोई और पैलवर्ड है तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हो। एंड जाहिर सी बात है, आप लोगों ने एमिकिन सर्वाइवल तो खेला होगा, उसी के साथ साथ अरोरिया गेम का भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज था, तो आपने वो भी खेला होगा। बट आप लोगों को पता नहीं होगा कौन सा बेस्ट है, क्योंकि दोनों में भी मिशन अलग अलग टाइप के, बट गेम की सही से ना अरोरिया गेम की थोड़ी ज़्यादा है, बट एमिकिन सर्वाइवल की कम है। पर इन दोनों में अगर माना जाए तो मिशन और उसके साथ साथ गेम जो फील देता है ना, वो थोड़ा बहुत अलग है। चलो तो इन दोनों गेम को प्ले करते, तो पहले हम एमिकिन सर्वाइवल प्ले करेंगे और उसके बारे में जो भी चीज़ें हमसे हो सके वो सारी की सारी एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद में अरोरिया के बारे में। और मेरे से जो हो सके 1 की रेटिंग रहे, मतलब 1 स्टार की रेटिंग रहेगी, हम 1 ही स्टार की रेटिंग करने वाले हैं। अगर दूसरा गेम रिपीट होता है तो उसको मिलेंगे 0 स्टार, बाकी देखते हैं फुल गेम प्ले करेंगे। चलो तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलो तो गाइस फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा अरोरिया गेम। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मली तो मैंने गेम प्ले किया नहीं, मैंने यूट्यूब से उठाया है। और इसी तरह की रिलेटेड वीडियो, मतलब आपको अरोरिया गेम प्ले की वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी। पर ये अरोरिया गेम है ना, अभी प्ले स्टोर पर रजिस्टर है, मतलब एकदम फेयर तरीके से आया नहीं। पर बंदे क्या है ना, थोड़ा बहुत ग्लिच लगा के, मतलब ये वो APK लेके मतलब अरोरिया गेम को उन्होंने खेल लिया। एंड अगर उसी के साथ साथ जाने तो अरोरिया गेम की साइज़ कम से कम 2.5 GB हो सकती है, ये करीबन उनका मानना है। और कुछ अंदर भी फाइल होती है जिनकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, बट अरोरिया गेम की साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। और उसी के साथ साथ गेम की ग्राफिक भी आप देख सकते हो आपके सामने, उसके साथ साथ आपको एक कैरेक्टर दिया जाता है, उसी के साथ साथ आपको कुछ पैल्स की जगह पर यहाँ पर देख सकते हो, इनको अपन पेड बोल सकते हैं। और उसी के साथ साथ अरोरिया गेम में ये होता है कि उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो ना, उनको कैप्चर भी कर सकते हो, मतलब उनको पकड़ सकते हो, पकड़ के उनको काम को भी लगा सकते हो, और उसके साथ साथ आप उनको मार भी सकते हो। ये सारी चीज़ें जैसे पैलवर्ड में होती है वैसे ही सिमिलर चीज़ें इस गेम में भी दी गई। उसके साथ साथ मैंने भी इसका गेम प्ले किया था, बट अभी बहुत सारे दिन हो चुके हैं तो मैं कंपेरिजन वाली वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो एमिकिन सर्वाइवल इसके मामले में मतलब कौन सा गेम बेस्ट हो सकता है, अभी तो फिलहाल नॉर्मली इसकी ग्राफिक देखने के बाद और उसके साथ साथ जो भी शूट आउट एक्शन वगैरह वो सारे के सारे अरोरिया गेम के मुझे अच्छे लग रहे। बल्कि आप लोगों ने एमिकिन सर्वाइवल खेला होगा तो उसमें चीजें नीचे नीचे से चलती है, बट मैप में बहुत सारे मिशन है जो कि काफी ज्यादा गेम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो एमिकिन सर्वाइवल का भी देखेंगे। बट मेरे हिसाब से जाना जाए तो अरोरिया गेम के साइज के साथ साथ ग्राफिक भी काफी ज्यादा बढ़िया है, अभी तो फिलहाल मुझे ठीक ठाक लग रही है। आपको कैसा लगता है आप लोगों ने कॉमेंट करके मुझे बताना। पर गाइस इस गेम में कोई दिक्कत है ना, अभी ये प्ले स्टोर पर एकदम फेयर तरीके से आया नहीं है। अभी अगर प्ले स्टोर पर अपन चाहते हैं, चलो प्ले स्टोर पर जाते हैं, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर प्री रजिस्टर है, तो प्री रजिस्टर के होने की वजह से इस गेम को मिलेंगे 0 पॉइंट, क्योंकि गाइस बंदों ने जो भी गेम प्ले खेला है मतलब वो एकदम अभी गेम है ना पूरी तरीके से रेडी हुआ नहीं है। शायद से प्ले स्टोर पे हो सकता है कि कुछ बग्स है या फिर कुछ ग्लीचेस है, वो सारे के सारे जब गेम से निकल जाएंगे तब प्ले स्टोर पे आ जाएंगे, मतलब 100% पूरा गेम बना नहीं है। अगर जब प्ले स्टोर पे शायद से बना नहीं है तो कुछ अच्छे से बिल्ड किया भी नहीं होगा, ये अदर सर्वर का गेम प्ले। शायद से मुझे लगता है कि मतलब अरोरिया थोड़ा अलग भी हो सकता है, इसकी वजह से हम अगर इस गेम के हिसाब से जाना जाए तो अरोरिया गेम ऑल ऑफ द बेस्ट गेम हो सकता है पैलवर्ड के लिए। बट एमिकिन सर्वाइवल देख लेते हैं, एमिकिन सर्वाइवल में कुछ ऐसी चीजें जो कि गेम को इंटरेस्टेड बनाती है वो मैं आपको बताता हूं। ओके तो गाइस एमिकिन सर्वाइवल में एक चीज़ है जो कि गेम को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाती है, तो पहले तो मतलब गेम का ट्रेलर आया था, गेम का ट्रेलर आते ही मतलब कम से कम इस गेम के 1 मिलियन तो व्यूज़ हो गए थे, और उसके साथ साथ इस गेम के डाउनलोडर भी काफ़ी ज़्यादा हो गए। क्योंकि एमिकिन सर्वाइवल में एक खास बात थी, क्योंकि जब ये गेम आया ना इसकी ऑलरेडी पैलवर्ड की वजह से हाइप बनी हुई थी, तो बहुत सारे एंड्रॉयड यूज़र है ना पूरे के पूरे एमिकिन सर्वाइवल का वेट कर रहे थे। एमिकिन सर्वाइवल में एक चीज़ मतलब मुझे थोड़ी बहुत गलत लगी, जो कि मतलब गेम ऊपर से चल रहा था जैसे ट्रेलर में बताया गया था वैसा नहीं था, पर उसके बाद में एक और चीज गेम को इंटरेस्टेड बनाती है, वो क्या है ना, वो थे मिशन, मतलब आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोन उसके साथ साथ पैल्स पकड़ना, ये सारे जैसे पैलवर्ड में हुआ करते वैसे मिशन थे, मतलब मिशन पार करते आपको और मिशन मिलेंगे, इसके वजह से गेम काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड अभी भी अगर आप देखो तो सब में एमिकिन सर्वाइवल के डाउनलोडर भी काफी ज्यादा, और इस गेम में मिशन के होने की वजह से बहुत ज्यादा डाउनलोड बढ़े और बहुत सारे व्यूअर्स लोग ना बहुत अच्छे से इसको प्ले करने लगे। बाकी अरोरिया गेम अभी आया नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने प्रेरित
कुछ करके रखा हुआ है, क्योंकि इस क्या है ना, गेम की पेलोड की वजह से बहुत सारे एंड्रॉयड गेम की हाइप बनी हुई है। नॉर्मली अगर आप प्ले स्टोर आप ऐसा छान भी मारो ना, तो बहुत सारे पेलोड आपको देखने को मिलते हैं और उनके डाउनलोडर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बंदों ने इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद में एक दो गेम प्ले किए, फिर उसके बाद में उनका खेलने का मन ही नहीं हुआ। बट एमिकिन सर्वर वैसा नहीं है, एमिकिन सर्वर आपको थोड़ा बहुत पेलोड जैसा फील देता है और शायद से हो सकता है अरोरिया गेम भी आ जाए, तो इसमें हम विनर करेंगे एमिकिन सर्वर को, जो कि मतलब आपको फेयर तरीके से प्ले स्टोर पर मिलता है। बाकी अरोरिया गेम के बारे में कुछ कह नहीं सकते, उसमें बहुत सारे बग्स बहुत सारे ग्लीचेस जो कि मतलब आपको परोड़ेंगे नहीं शायद से। चलो तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल।